अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज मैं जवाब देने जा रहा हूँ आपके सवालात का जो आपने पूछे थे। तो उससे पहले पूछते हैं, ये नाम तो नहीं है उनका, इनका नाम लेकिन लिखा हुआ है, लेट्स लर्न। पूछते हैं वे आर फ्रॉम यू एंड व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। मैं आमतौर से लोगों को छुपाया करता हूँ मैं कहाँ से हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं इंडिया से हूँ और पेशा मेरा यही है जो कर रहे हैं, मौलवी हूँ, कट्टर मौलवी। खुश रहिए। अगला साल दाऊद पूछते हैं, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ योर नेम। एक्चुअली इट्स एन अरबिक नेम एंड इट्स नजम रहमान। नजम मीन्स स्टार एंड रहमान इज़ द नेम ऑफ अल्लाह सुबहानहू व तआला। सो नजम रहमान इट्स मीन्स स्टार ऑफ अल्लाह सुबहानहू व तआला। मे अल्लाह सुबहानहू व तआला मेक मी शाइन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अगला सवाल पूछते हैं उसामा ख़ान के, आपका इंस्पिरेशन यानी मेरी इंस्पिरेशन कौन है। तो देखिए मेरी पहली इंस्पिरेशन तो ज़ाहिर सी बात है मेरे वालिद मोहतरम ही हैं, सैयद नफीसुर रहमान हसनी कादरी खलीफा ताशरिया। मैं उनको बचपन में देखा करता था मिंबर पर खड़े होकर तकरीर करते हुए और मैं सोचता था कि कल यहाँ मैं खड़े होकर तकरीर करूँगा, तो वहाँ से इंस्पिरेशन थी। फिर जब मैं 9 साल का हुआ तो फिर मेरा जहन चला गया क्रिकेट की तरफ और बहुत ज़्यादा गया, थोड़ा मानेंगे बहुत ही ज़्यादा गया। मैंने बहुत प्रैक्टिसेस की, मुझे बहुत शौक था क्रिकेटर बनने का, लेकिन फिर मेरा जहन वापस आया इस तरफ क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम की एक बात जो मुझे लगी वो कहने लगे कि इतना ओवैस रज़ा कादरी साहब को सुनता है इसकी अक्ल ठिकाया नहीं आती कि वो इंसान ऐसा जो सारी ज़िंदगी उसने गुजार दी हुजूर की तारीफ़ करते हुए। तब मेरे जहन में ये बात आई कि वाकईतन क्या नसीब है ओवैस रज़ा कादरी साहब के, यानी सारी ज़िंदगी गुजार दी नबी करीम की तारीफ़ करने में। मैंने कहा मैं भी ऐसी ज़िंदगी गुजारूँगा। फिर मैंने कहा यार मेरी आवाज़ तो अच्छी है ही नहीं है, फिर मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि ना तरन्नुम में ना सही, मैं तहतुल लफ्ज़ तारीफ़ करूंगा। फिर उसके बाद जिस इंसान ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया है वो ज़ात है अल्लामा खादिम हुसैन रुज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मैंने सारी ज़िंदगी उलमा और पीरों के दरमियान गुजारा है लेकिन वल्लाही वल्लाही ऐसा नहीं देखा किसी को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सदके हमारी मगफरत फरमाए, हमारी बख्शिश फरमाए और हमें दीनी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल पूछते हैं सैयद शिराज रज़ा, माशाल्लाह बड़े प्यारे भाई हैं मेरे। ये सवाल कर रहे हैं कि बहुत से दियो के बंदे कहते हैं कि आला हज़रत और अशरफ अली थानवी साहब जो थे साथ में पढ़े, ये कितना बड़ा झूठ है वाज़े कर दें। जज़ाकअल्लाहु खैरा जज़ाकअल्लाहु खैरा। तो देखें ये बहुत बड़ा झूठ है और बेबुनियाद झूठ है। बहुत सारे लोगों ने कहानियाँ बना रखी हैं ताकि कुफरे इबारतें छुपा सकें। वो कहते हैं कि साथ में पढ़ रहे थे और किसी चीज़ के लिए लड़ाई हो गई, खालिबन हलवे की लड़ाई होगी क्योंकि एज़ वी ऑल नो दैट वी आर हलवा लवर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वी आर हलवा लवर्स एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। बड़ा मज़ा आता खाने में, आप भी खाया करिए इंशाल्लाह सुन्नी बन जाएंगे तो पचने भी लगेगा। हाँ मैं अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान की पैदाइश होती है 1856 में और अशरफ अली थानवी की पैदाइश है 1862 में। तो जब अशरफ अली थानवी अभी बच्चे ही हैं, खेल कूद रहे होंगे इधर उधर कूद फांग रहे हैं, उस वक्त इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैह रहमत रिज़वान फतवा देना भी शुरू हो चुके थे, बड़े बड़े मसाइल हल करना शुरू हो गए थे। ये बहुत ही बेबुनियाद बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं, झूठ है, फरेब है, दजल है और उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अगला सवाल शेख फैज़ दीद, उन्होंने ईमेल भी मुझे किया था, इनका जवाब मैं दे चुका हूँ लेकिन आप लोगों के दे दूँ, आप लोगों को भी ये बात वाज़े हो जाए। पूछते हैं कि इस्लाम में मर्द कितने बाल रख सकते हैं, क्या लंबे बाल रख सकते हैं, ज़रूर बताएं। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह को सलामत रखे। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कान की लौ तक भी बाल रखना साबित है और कंधों तक भी। तो मर्द को जो इजाज़त है बाल रखने की वो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी है कि वो कंधों तक बाल रख सकता है, उसके नीचे नहीं। तो अगर आपको बाल बड़े रखने का शौक़ है, सुन्नत की नीयत आपने कर ली है, तो आप कंधों तक बाल बढ़ा सकते हैं, वो भी सुन्नत होगा। कान के लौ तक रखेंगे वो भी सुन्नत होगा। जज़ाकअल्लाहु खैर। सवालात और इनके जवाब मैंने दे दिए हैं। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था लेकिन मन ही नहीं कर रहा था। चलें बना दिए। उम्मीद है आपको जवाब पसंद आए होंगे। चलिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।